तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं दिवाली स्पेशल मिठाई की रेसिपी आप लोग के सामने में शेयर कर रही हूँ, जो कि 10 से 15 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोग के सामने में शेयर कर रही हूँ। तो ये मिठाई बनाकर ना फ्रिज से बाहर भी 5-7 दिन रख सकते हैं, और फ्रिज में रख कर तो 10 से 12 दिन तक आप खा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए जल्दी से मैं आप लोग के सामने में ये मलाई लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसको बंद करके रख दी। दीपावली स्पेशल एक ठो मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीका से दिखाती हूँ। तो चलिए मैं क्या बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। 500 ग्राम जितना पनीर है इसका आज मैं आपको मिठाई बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये पतला वाला ग्रेटेड है ना, इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से, दिखा सारे को मैं ग्रेट करके दिखाऊंगी। तो सारे को मैं कर लेती हूँ, देखिए इसका मैं कौन सी मिठाई बनाती हूँ आप लोगों को शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर 300-400 ग्राम जितना मैं पनीर ले ली हूँ। उसके बाद ये 1/2 लीटर दूध है, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर चीनी है आधा कप जितना। उसके बाद ना 2 लीटर दूध का यहाँ पर मैं मलाई ले ली हूँ, 5-6 ठो हरी इलायची। तो 500 ग्राम पनीर से ना मैं इतना छोड़ दी हूँ, तो 350-400 के आसपास में पनीर होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस जला ली, उसके बाद इस पैन को रख दी हूँ। सबसे पहले इसमें मैं ये दूध जो है उसको ऐड कर देती हूँ, इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसका ना देखिए पहले इसको जब 50% रह जाए तब तक मैं इसको पका लेती हूँ। एकदम फुल फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो इसका कलर ना चेंज हो जाएगा। एकदम फुल फ्लेम पर पका रही हूँ। तो लीजिए मैं 25% जितना दूध जल गया है, थोड़ा देर और मैं पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। अच्छा से मैं पहले इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा दूध बहुत गाढ़ा हो गया है। अब ये जो पनीर है ना, इसमें ये जो दूध का मेरा मलाई है, ये 2 लीटर दूध का मलाई है, इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको ना अच्छा से पहले मिला लेती हूँ। इसको ना अच्छा से हाथ से या पोटैटो मैशर से एकदम बारीक करके मिलाना है। अभी चला लेती हूँ, क्या कि फुल फ्लेम पर है। देखिए एकदम दूध गाढ़ा हो गया, एकदम दूध गाढ़ा हो गया। तो लीजिए फ्रेंड्स, अच्छा से मैं इस तरह से चमचा से मलाई के साथ इसको मिला ली हूँ। तो बड़ा करछुली या पोटैटो मैशर होगा ना, उससे प्रेशर देते हुए ना अच्छा से इसको मिलाना है। सारे पनीर में यहाँ 2 लीटर दूध का मैं मलाई मिलाई हूँ। चलिए तो दूध भी मेरा पूरा देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम पूरा गाढ़ा हो चुका है। मैं इसी स्टेज पर ये इसको पनीर को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, सारे पनीर को। एक हाथ से कैमरा पकड़ी ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी तक दूध को ना हाई फ्लेम पर मैं पकाई हूँ, अब मैं यहाँ पर पनीर और मलाई डालती हूँ ना, तभी गैस को थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दी हूँ, नहीं तो नीचे से चिपक सकता है, क्योंकि मैं एक हाथ से ही काम कर रही हूँ। तो लीजिए सारे पनीर और मलाई जो मैं मिला कर रखी थी सारे को इस दूध में मैं ऐड कर दी। तो चलिए इसको मैं अच्छा से पहले मिला लेती हूँ। सारे मलाई में मैं पनीर और मलाई को जो मिला कर रखी थी ना इस दूध में ऐड करती। अब मैं इस स्टेज पर जो ये चीनी है इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो चीनी आप लोग अपना अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा कम, तो क्या कि ये मलाई इसमें ना दूध का ही है, तो इसमें थोड़ा सा चीनी कम ही पड़ता है, वैसे तो आप लोग अपना अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको पहले पका लेती हूँ 5 मिनट, उसके बाद चीनी डालने के बाद ना फिर थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, पहले अच्छा से मिला लेती हूँ, उसके बाद मैं फुल फ्लेम कर दूँगी। अच्छा से मिला लेती हूँ। अब इस स्टेज पर ये जो इलायची पाउडर इसको भी मैं कूट लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब ये पक चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पर यहाँ पर जो इलायची दाना कूट कर रखती हूँ उसको ऐड कर देती हूँ। अच्छा से मिला लेती हूँ इसको, इधर मैं थोड़ा सा फूड कलर को पानी रख करके थोड़ा सा घोल ली हूँ। इस तरह से अच्छा से हाथ से चलाते हुए इसे दबाते हुए पका लेती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने ना मलाई लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही झटपट से बन जाती है, एकदम कम सामान से ना पनीर बनाना
पहले तो हम लोग के नानी दादी लोग दूध को फाड़ती थी तब बनाती थी, अब तो सारा चीज फास्ट में बन जाता है क्योंकि सारा चीज मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो अभी मैं पनीर से बना रहे हैं। तो लीजिए इसका चाशनी जो है देख सकते हैं थोड़ा और है, एकदम कम गया। अब मैं एक मिनट में इसका गैस बंद कर देंगे क्योंकि इसका ना मोटे तले का पैन है, थोड़ा सा अपने सेट होगा। देखिए अब नहीं है, देखिए इसका ना सारा चाशनी ना ये पनीर ऑब्जर्व कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पर चलिए, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, देख सकते हैं कहीं नहीं है। अब इसको ठंडाने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको अच्छा से पैन में ही चला लेती हूँ एक दो मिनट, उसके बाद मैं दिखाती हूँ ठंडाने के बाद। तो इसमें ना आप लोग के पास मिल्क पाउडर होगा तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं सोची कि इस बार ऐसा ही बना लेती हूँ। लेकिन बिना मिल्क पाउडर के ना लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो ठंडाने के बाद मैं इसको मिक्सर में थोड़ा सा पीस ली। नहीं तो ताज़ा पनीर रहता है उसमें थोड़ा सा दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है तो अपने आप बन जाता है। ये एकदम ठंडा भी हो गया, थोड़ा मिक्सर भी चला दी हूँ क्या कि मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था। इसमें ना मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा हो तो, नहीं तो मलाई का मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसका ना ठंडा गया, अब मैं लड्डू बनाकर दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा से इसका लड्डू बन जाता है। इस तरह से मैं अपना साइज से जितना छोटा बड़ा है उस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो चलिए मैं सारे लड्डू को पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से सारे लड्डू को अच्छा से पहले बना लेती हूँ। इसमें ना बाइंडिंग के लिए ना मिल्क पाउडर ज़रूर बनता है, लेकिन मेरे पास नहीं मिल्क पाउडर था। मैं सोची बन जाएगा लेकिन नहीं बना है, तो थोड़ा सा मैं मिक्सर चला दी हूँ। नहीं तो पहले ही ना थोड़ा सा मिलाना पड़ता अच्छा से ना, तो मैं पहले भी चमचा से ही मिलाई थी, हाथ से मिलाना पड़ता तो बाइंडिंग का काम अच्छा करता। लेकिन चलिए फिर भी मेरा लड्डू बहुत अच्छा बना है। देखिए देखिए मेरे सारे मलाई लड्डू बनकर के रेडी है। अब मैं इस पर ना थोड़ा सा यहाँ फूड कलर को कलर घोल ली हूँ, तो इसको मैं ना इस तरह से सारे लड्डू पर थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ। एकदम थोड़ा थोड़ा डालूंगी इस तरह से। चलिए थोड़ा सा केसर है इसको भी मैं इस पर से लगा देती हूँ। इस तरह से देखिए मैं केसर लगा देती हूँ। तो एक एक करके मैं सारे लड्डू पर इस तरह से देखिए केसर के पंखुड़ी से सजा दी हूँ, गार्निश कर दी हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छा से ये मलाई लड्डू बन करके रेडी है। देखिए थोड़ा सा मैं इस पर से केसर के पंखुड़ी और फूड कलर से इस तरह से गार्निश कर दी हूँ, क्या कि ना मलाई लड्डू में ना इस तरह से रहता है येलो कलर ऊपर से रहता है। तो चलिए मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा मलाई लड्डू मैं बनाई हूँ, आप लोग भी बनाइएगा। तो आप लोग ना इसमें या तो दूध का मात्रा ज़्यादा दीजिएगा, नहीं तो मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडाने के बाद मिक्सर में चला दी हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा बना है, देख सकते हैं लड्डू कितना सुंदर है। तो यहाँ पर मैं फूड कलर और केसर से गार्निश की हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग के पास पिस्ता बादाम जो हो कुछ से भी गार्निश कर सकते हैं, तो आप लोग के पास गोल्डन पेपर हो उससे भी गार्निश कर सकते हैं, या आप लोग वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन मलाई लड्डू में ना इसी तरह से येलो कलर ऊपर से रहता है, इसीलिए मैं ना फूड कलर डाल दी हूँ। तो लीजिए दीपावली स्पेशल ये मलाई लड्डू का रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग मेरे हिसाब से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और आप लोग दीपावली के अवसर पर क्या क्या बनाए सो भी हमको कमेंट कीजिएगा। मैं तो सिंपल सा मलाई लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी दीपावली, जय जानकी, जय जनकपुर। आप लोग पूरे परिवार के साथ अच्छा से दीपावली मनाइएगा। हैप्पी दीपावली।